हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज बहुत अमेजिंग और यम्मी सी टेस्टी चटनी बनाना बता रहे हैं, जो कि आपको गर्मियों में ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय गर्मियां बहुत होती हैं तो मन नहीं करता किचन में ज़्यादा देर खड़े होने का। और कोई सब्जी भी ना हो तो बहुत टेस्टी ये चटनी है हमारी, जो सब्जी का भी काम करेगी। तो देखिए, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमने कट कर लिए हैं और 2 हरी मिर्च, देखिए 2 लाल मिर्च जो सूखी वाली आती हैं, और 4 हरी मिर्च जो कि सूख गई थी, वो भी रेड हो गई थी, वो भी डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 स्पून धनिया, खड़ी धनिया है, और जो दाल ले ली हमने चने की 1, और ये मगरेल के बीज यानी कलौंजी। तो देखिए, ऑयल हमने डाल दिया है अपने कप पैन में, 2 स्पून के करीब ऑयल डाल दिया तो ये हो जाता है। फिर देखिए क्या करते हैं, तो ये देखिए हमने डाल दिया ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून जो लिया था, धनिया जो 1 टेबल स्पून ली थी, और ये 1 तेज पत्ता। इसको हम भून लेंगे अच्छे से। गाइस, ये चटनी बहुत यमी रहती है, और अपनी चना दाल भी हमने इसमें ऐड कर दी है। ये चटनी इतनी अच्छी रहती है ना, बच्चे इसके आगे सब्जी नहीं मांगेंगे, बस तीखा। बच्चों के लिए बनाइए तो बच्चों के हिसाब से बनाइए, और बड़ों के लिए बनाइए तो बड़ों के हिसाब से बनाइए। ये देखिए प्याज डाल दिया है, अब इसे भी हम कुक कर लेंगे इसमें डालकर। गाइस, जब कोई सब्जी ना हो और बनाने का भी बहुत झंझट नहीं है, ये बना लीजिए और रख लीजिए, तो ये 7 से 8 दिन, और या फिर अगर जो चीज़ हम बताएंगे वो चीज़ आप ऐड करेंगे इसमें, तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होने वाली, इतनी यम्मी टेस्टी चटनी बनती है। देखिए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट प्याज दिखने लगा है, तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, क्योंकि पहले से ही मिर्च डालते तो वो काली पड़ जाती, जो कि हमारी चटनी अच्छी नहीं लगती, और जल जाती तो थोड़ा सा स्मेल भी किचन में भर जाती, तो आप खड़े नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से देखिए थोड़ा थोड़ा हम भून लेंगे अच्छे से। तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है हमारा प्याज, तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। और ये देखिए सौंफ डालेंगे, भुनी हुई सौंफ है ये, आपके पास अगर भुनी हुई सौंफ ना हो तो जिस समय पर हमने ज़ीरा वगैरह ऐड किया था उस समय पर आप ये सौंफ, और ये डाल लेंगे मेथी, क्योंकि हम ये चीज़ें भून कर रखते हैं गर्मियों में खाने के लिए, क्योंकि सौंफ वगैरह डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रखता है, इसलिए तो भुनी हुई थी इसलिए ऐसे ही डाल दिया। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे मिक्सी के जार में डाल दिया है, ऐसे ग्राइंड नहीं होगा तो थोड़ा सा डाल दिया है पानी। अब इसे हम बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड हो चुका है बारीक, तो इससे अब हम बनाएंगे चटनी। तो देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। एक बात और गाइस, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें इसे लंबे समय तक के लिए सेफ रखना है इस वजह से। और देखते रहिएगा कि लास्ट में क्या चीज़ इन्ग्रीडियंट हम ऐड करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक सेफ रखेगा। तो देखिए ये हम डाल दे रहे हैं कलौंजी और सौंफ, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखिए हमारे पास पाउडर था इसलिए हमने पाउडर ऐड कर लिया है, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो तो वो आप ऐड कर लीजिए, जिस समय हमने मिर्च भूंजी थी उस समय आप वो ऐड कर सकते हो। तो देखिए जो ग्राइंड हमने करके रखा था पेस्ट, वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मिक्सी के जार में हमारा रहता है। और ये देखिए अब हींग डाल रहे हैं, 2 से 3 पिंच हींग ऐड करेंगे, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, अभी इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमने ऐड किया है धनिया 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि इससे कलर हमारी चटनी का बहुत टेस्टी आएगा, दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हमने डाल दिया है धनिया 2 स्पून। देखिए धनिया हमने खड़ी पीसी थी, वो अलग से पीसी थी, उसका टेस्ट अलग से आएगा, और ये हमने 1 स्पून के करीब धनिया डाली है पीसी हुई। अब इसको क्या करेंगे, हम इसे पका लेंगे नमक ऐड करके। ये देखिए इस तरह से नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और इसे अब हम पकाएंगे अच्छे से। तो 2 मिनट इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करके 2 मिनट से हम कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, 2 मिनट इसे हम कुक करेंगे ढक करके, जिससे कि बहुत अच्छे और बहुत प्यारा बन जाए कलर। तो देखिए इस तरह से हम ढक देंगे, तो देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है, ऑयल भी दिखने लगा है। तो इसी तरह से हम डालकर इसे कुक करेंगे। और गाइस ये लंबे समय तक चल सकती है, ख़राब नहीं होगी, अगर फ्रिज में रखेंगे तो लगभग लगभग 15 से 20 दिन आप आराम से रख सकते हैं, और बाहर अगर रखते हैं तो फिर 5 से 6 दिन बाहर भी अच्छे से रख सकते हैं। देखिए ऑयल निकलने लगा है, तो यानी हमारा ये
अच्छे से कुक हो चुका है, भुन चुका है, चटनी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे, देखिए इस समय कच्ची कैरियाँ बहुत आ रही हैं, तो वो हम एक कच्ची कैरी को एक स्पून पल्प डाल देंगे कच्ची कैरी का, यानी ग्राइंड की हुई कैरी का। आप चाहें तो अगर कैरी नहीं है, देखिए इस समय कैरी सबके यहाँ होती हैं, इस वजह से हमने बोल दिया कैरी डाला है। आप अगर चाहें तो, अगर कैरी नहीं है तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसमें कैरी डाली है तो उसको भी पकाना ज़रूरी है, तो इस वजह से एक मिनट के लिए हम इसे ढक करके अच्छे से कुक कर लेंगे फिर से। तो टोटल हमने 5 मिनट कुक किया है। तो देखिए कस्तूरी मेथी डाल देंगे, ये थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है ना कस्तूरी मेथी का चटनी में आ जाएगा, तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस वजह से। तो इसको अब हम ढक करके कुक करेंगे क्योंकि कैरियाँ और कस्तूरी मेथी का फ्लेवर आ जाए हमारी चटनी में। तो ये देखिए 1 मिनट तक कुक करेंगे, यानी टोटल हमें 5 मिनट लगेंगे इस चटनी को बनाने में। ये देखिए कुक हो चुकी है, ऑयल भी दिखने लगा है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं क्योंकि हमारी ये तैयार है। और गाइस ये आप आलू की सब्ज़ी या फिर चपाती राइस किसी के साथ भी खाएं ना, बहुत अच्छा सा, जैसे रात के रखे हुए चावल रखे हैं, राइस रखे हैं और उसमें स्वाद को जगाना है या स्वाद को बढ़ाना है, तो ये एक चटनी, एक स्पून चटनी ऐड करके आप खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। और पूरी पराठा किसी के साथ भी आप खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हम सर्व कर रहे हैं अपनी इस चटनी को, तो देखिए देखने में कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है। तो अगर हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग पूरी वॉच करें और हमें अपने कमेंट लिखना ना भूलें। अगर नहीं भी पसंद आ रही है तब भी आप कमेंट प्लीज़ लिखें, जिससे कि हमें पता तो चले कि हमारी जो फैमिली है उसको किस तरह की रेसिपीज़ देखनी है और किस तरह की रेसिपी नहीं देखनी है। तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।